उत्तराखंड के हल्द्वानी का ये घर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह, घर में आग लगने की अजीबोगरीब घटनाएं। इस घर में रहने वाला परिवार इन दिनों दहशत के साए में जी रहा है। दरअसल ये घर हल्द्वानी शहर के तल्ला गोरखपुर में है। इस घर के मालिक है उमेश पांडे, जिनके मकान में इन दिनों रहस्यमय ढंग से आग लग रही है। मेरा नाम कमल पांडे है। मेरा घर ये मल्ला गोरखपुर में नेताल रोड में स्टेट बैंक के पीछे। हमारे घर में 8 तारीख की शाम से अचानक बोर्ड जलना शुरू हो गया, तो हमने बिजली का फॉल्ट समझ के बिजली वाले को बुलाया। उसने MCV वगैरह चेक करी, वो सही थी, और हमने वो कनेक्शन जुड़ा के लाइट चल गई थी, फिर बंद नहीं हुई, उसी बोर्ड में आग लगी। वो चले गया था ठीक करके, बाकी कल देखूंगा, अभी आपका काम चल गया। तो थोड़ी देर बाथरूम का बोर्ड जला, उसके बाद उसी कमरे का दूसरा बोर्ड। इसे देख कर हर कोई हैरान है। घर के बिजली के कनेक्शन काटने के बावजूद घर में जगह जगह बार बार आग लग रही है। आग लगने की वजह से पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है। रात रात भर पूरा परिवार सो नहीं पा रहा। परिवार का कहना है कि 8 नवंबर को ग्रहण और भूकंप के बाद घर में सबसे पहले बिजली के बोर्ड में आग लगी। इसके बाद से ये सिलसिला थम नहीं रहा। पुलिस और बिजली विभाग की टीम भी इस रहस्यमय आग से हैरान है। आलम यह है कि परिवार के लोग पानी की बाल्टियां भरकर सो रहे हैं, ताकि अगर अचानक आग लग जाए तो वो उसे बुझा सके। पिछले 7 दिन में 11 बार आग लग चुकी है। ये आग कभी भी अचानक लग जाती है, कभी घर की बंद अलमारी में, तो कभी जिस बिस्तर पर इंसान लेटा हुआ है वहीं से धुआं उठने लगता है। घर की एक बुजुर्ग महिला चंद्रा पांडे का कहना है कि AC और कूलर में भी आग लग चुकी है। हालात ऐसे हैं कि पांडे परिवार ने अपने घर की पूरी बिजली की वायरिंग तक बदल डाली है, बिजली का कनेक्शन तक काट डाला है, लेकिन इसके बावजूद अचानक आग लगने का सिलसिला नहीं थम रहा। आपको बता दें कि यहाँ मुख्य बाजार में भारतीय स्टेट बैंक के पास कमल पांडे का ये 2 मंजिला मकान है, जिसमें छोटा भाई समेत 9 सदस्य रहते हैं। कमल पांडे ने बताया कि 8 नवंबर की शाम 7 बजे उसके घर में बिजली के बोर्ड में आग लग गई थी। इस आग को घर में मौजूद लोगों ने सूझबूझ से बुझा दिया था। इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर बोर्ड सही करवा लिया गया, मगर अगले ही दिन शौचालय में लगी बिजली के बोर्ड में आग लग गई। 2 बार आग लगने से परिवार वालों को लगा कि फॉल्ट हो सकता है, इस पर मीटर से कनेक्शन को हटा दिया, जिससे पूरे घर की बिजली गायब हो चुकी। इसके बाद भी बेड में बने कबर्ड में रखे कपड़े, अलमारी के अंदर, मंदिर और बिस्तर में भी आग लग चुकी है। रहस्यमय ढंग से लग रही आग से कमल और उसके भाई का परिवार और माँ अब दहशत में है। बुजुर्ग और बच्चों को घर के सामने 2 कमरे किराए पर लेकर शिफ्ट कर दिया है, जबकि 2 भाई रखवाली करने के लिए घर के बाहर सो रहे हैं। घर में लग रही आग से सामान भी हटा दिया गया है। परिवार इस संबंध में देवी देवताओं की पूजा भी करवा चुका है। साजिश तो नहीं हो रही है कहीं? अभी मैंने भी, मुझे इस घटना की जब जानकारी हुई है तो ये कमल पांडे जी का, इनका नगर निगम का जो हमारी बिल्डिंग है उसके बगल में इनका आवास है, उसमें इनका ये कहना है कि पिछले 8 तारीख से बीच बीच में कहीं आग लग जा रही है। तो इन्हें पहले लगा कि ये फॉल्ट शायद विद्युत विभाग का हो सकता है। फिलहाल विद्युत विभाग के भी अधिकारियों ने चेक कर लिया है, आर्थिक वगैरह को भी वो चेक कर रहे हैं, और उनके द्वारा भी अभी ऐसी कोई चीज प्रकरण में नहीं आई है कि आग किस वजह से लग रही है। तो इस पूरे मामले पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि वो पुलिस के साथ में घर का निरीक्षण कर चुकी है। घर में मंगलवार को आखिरी बार आग लगी है। बुधवार को जब से वो निरीक्षण कर लौटी तब से आग नहीं लगी है। बार बार आग लगने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। इस मामले की वैज्ञानिक तरीके से भी जांच कराई जाएगी। आपको बता दें कि हल्द्वानी के कमल पांडे के घर में आग लगने की जो घटना घट रही है, कुछ साल पहले ऐसी ही घटना राजस्थान के जालौर में भी देखी गई थी। यूपी के कासगंज और कुशीनगर से भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई थी। एक घर में कई बार आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दहशत में परिवार ने घर तक छोड़ दिया था, बाद में आग लगना खुद ही बंद हो गया। ऐसी घटनाओं को लेकर आपका अपना नजरिया क्या कहता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।